कि सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसको एक छोटे से सर्कल या फिर एक डॉट के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं लाइन पर। लाइन क्या होती है? एक ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी सिर्फ लंबाई होती है। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 7th एपिसोड में। ये रेलवे एएलपी की लेक्चर सीरीज है जिसका ये 7th एपिसोड है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल फिगर्स और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फ्रेंड, ज्योमेट्रिकल फिगर से 2 से 3 सवाल रेलवे एएलपी में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको। 2 से 3 जो सवाल होंगे वो आपके एकदम सही होंगे, उनमें कोई भी गलती नहीं होगी। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपने 9th 10th 11th में पढ़ी होंगी, अभी यहाँ पर हमें सिर्फ रिवाइज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कौन कौन सी फिगर है हमारे पास? पॉइंट है, लाइन है, एंगल है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है और सर्कल है, यानी बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुष्कोण या चतुष्कोण, बहुभुज या और वृत्त। तो ये पॉइंट है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। इनमें से क्या क्वेश्चन बनेगा और कितने टाइप के ये होते हैं, क्या क्या चीज पूछी जाती है, ये सभी हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, पॉइंट एक डायमेंशन लेस फिगर होती है, ठीक है? यानी जो पॉइंट होता है वो ओनली पोजीशन रखता है, एक स्थिति रखता है, उसकी कोई भी डायमेंशन विवाह नहीं होती है। और इसको जनरली एक पॉइंट यानी एक डार्क सर्कल या फिर एक सर्कल के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें लाइन की, लाइन के बारे में हम पहले भी अपने वीडियो एपिसोड में पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर डीपली जानकारी चाहिए तो आप इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय आकृति है जिसकी केवल लंबाई होती है, ठीक है? तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले ही लेक्चर में हमने स्टडी करे हैं। अब हम बात करते हैं एंगल की, कोण। इनसे सवाल जरूर पूछा जाता है, एक सवाल जरूर पूछा जाता है एंगल यानी कोण से। कोण कौन सा, कोण कितने डिग्री का होता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कुल 6 एंगल होते हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला, तो हम वन बाय वन लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। सबसे पहला जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। सबसे पहले एंगल की बात अगर हम करें, व्हाट इज एंगल यानी कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच जो ये अवनत यहाँ पर, या ये कहें एक रेखा है दूसरी रेखा से जितने अवनत होती है, तिरछी होती है, उसके इसी को एंगल कहा जाता है, ठीक है? तो एंगल क्या है? एक रेखा दूसरी रेखा से कितने अवनत है, इंक्लाइंड है, उसी को एंगल यानी कोण कहा जाता है। तो पहला एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर कोई दो लाइन 90 डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाता है, और अगर कोई लाइन के बीच 90 डिग्री है तो हमको बोला जाता है ये राइट एंगल है यहां पर, ठीक है? इसको बोलते हैं समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है? सेकंड एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री, ये सभी कोण क्या है? एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम कोण होते हैं, कम एंगल होते हैं, उनको न्यून कोण कहते हैं। नंबर तीसरा आता है अबट्यूस एंगल। अबट्यूस एंगल, अबट्यूस एंगल क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, ठीक है? जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं यानी 90 डिग्री से अधिक कोण जो होते हैं उनको अबट्यूस एंगल या अधिक कोण कहा जाता है, जैसे 120, 130, 140 इत्यादि। इसके बाद है नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स कोण क्या होता है? जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं यानी दो समकोण से ज्यादा जो कोण होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दो राइट एंगल से बड़ा कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, यानी 180 डिग्री से ज्यादा का जो कोण होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? 5 पर एंगल नंबर 5 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, इसको कहते हैं संपूरक कोण, हिंदी में कहा जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यानी दो ऐसे कोण जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कहा जाता है संपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसके बाद है सबसे लास्ट एंगल नंबर 6, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में इनको कहा जाता है पूरक कोण। जिन कोण का सम 180 डिग्री होता है, कुछ ऐसे मान लेते हैं ये 30 है और ये यहां से 150 है, तो जिन एंगल्स का सम, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको पूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो ये है एंगल, और कितने टाइप के एंगल होते हैं, 6 टाइप के एंगल होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक एंगल आपसे पूछा जा सकता है, पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं इत्यादि। इसके बाद बढ़ते हैं ट्राइंगल की ओर। आइए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाओं से मिलकर के जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहते हैं, या वह आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं उसको त्रिभुज कहा जाता है यानी ट्राइंगल कहा जाता है। ट्राइंगल कुल 6 प्रकार के होते हैं जिसमें नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी कितने होंगे, समान होंगे 60-60 डिग्री के। और आपको ये ध्यान रखना है त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 है विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों साइड असमान होती है, यानी तीनों साइड की जो लंबाई होती है, तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद है नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड, जिसकी दो साइड बराबर हो, ठीक है, जैसे मान लो ये और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस वाली बात है जो बराबर वाली साइड है यानी इक्वल लंबाई की जो साइड है उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ही हो रहा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नंबर 5 है एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यूनकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम, ठीक है, ये कैसा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं न्यूनकोण त्रिभुज क्योंकि इसके तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ध्यान रखें इसमें तीनों कोण थे न्यूनकोण में, तीनों कोण न्यूनकोण होने चाहिए तो उसको न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक कोण, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ एक कॉर्नर से सामने सामने वाली साइड पर एक लाइन डालो जो कि इसको बराबर भागों में विभाजित करे तो इसको कहते हैं माध्यिका, ठीक है, ऐसे ही इस कॉर्नर से ऐसे ही इस कॉर्नर से, तीनों माध्यिकाएं जहां आपस में मिलती हैं, मीडियन जहां आपस में मिलती हैं उनको कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड यानी केंद्र। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की यानी चतुष्कोण या चतुष्कोष की, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की यानी चतुष्कोष की या चतुष्कोण की। चतुष्कोण क्या होता है, चार लाइन के द्वारा जो आकृति बनती है, चार लाइन को मिलाकर के आपस में जो आकृति बनती है उसको चतुष्कोष या चतुष्कोण कहा जाता है, या ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर यानी ऐसी ज्यामितीय रचना जिसमें चार कोण होते हैं उसको कहते हैं चतुष्कोष क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर कुल 7 टाइप के होते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुष्कोष। नंबर 1 है पैरेलोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके या ऐसा चतुष्कोण जिसकी आमने सामने की जो साइड होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है, जिनकी जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। नंबर 2 है स्क्वायर यानी वर्ग।
वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने का कोण यानी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर है, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कॉर्नर के एंगल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी कॉर्नर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसके बाद है रंबस। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन लेकिन एंगल 90 डिग्री ना हो, कुछ इस प्रकार जो कॉर्नर का एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, तो ये जो चतुर्भुज कहलाएगा इसको हम कहते हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, आमने सामने के जो एंगल है वो बराबर होते हैं। तो रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जो चार भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है, लेकिन जो साइड के एंगल है वो बराबर यानी 90 डिग्री नहीं होते। इसके बाद है रोम्बोइड यानी तिरियल वर्ग, इसको कहते हैं तिरियल वर्ग। क्या होते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और जो एंगल है, ठीक है, ये ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले में बोला था चार भुजाएं हैं बराबर और जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, और जो तिरियल वर्ग है यानी रोम्बोइड है इसमें जो आमने सामने की साइड होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये इनके एक दूसरे के आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है और ये जो एंगल होते हैं ये भी 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। इसके बाद है ट्रेपेजियम समलंब। समलंब क्या होता है? एक ऐसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी दो साइड पैरेलल तथा दो नॉन पैरेलल होती है, दो भुजाएं समांतर जबकि दो असमांतर होती है, उसको कहते हैं हम समलंब या ट्रेपेजियम। इसके बाद है ट्रेपेजॉइड, इसको हिंदी में समलंब ही कहा जाता है लेकिन इंग्लिश में ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। और ट्रेपेजॉइड कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं ही असमांतर हो, जिसकी चारों भुजाएं असमांतर हो, इस तरह की जो शेप है ये कहलाती है ट्रेपेजॉइड यानी समलंब ही कहते हैं हिंदी में इसको, ट्रेपेजॉइड अलग हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कॉर्नर को आप मिलाएं तो इसको कहते हैं डायगोनल विकर्ण, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, चतुर्भुज या चतुष्कोण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है ये सभी हमने पढ़ी। थोड़ा ध्यान से पढ़े, माइनर से ही डिफरेंस है सब में, थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है लेकिन चेंज है सब में, इसलिए इन सभी का नाम अलग अलग किया गया है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स पॉलीगन के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे सवाल जरूर आता है एग्जाम में, तो पढ़ते हैं पॉलीगन के। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉलीगन यानी बहुभुज की। दोस्तों ये ध्यान रखें, हमने स्टार्ट किया था पॉइंट से, इन सभी को आप आपस में जोड़ करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी से याद होंगे। सबसे पहले हमने पॉइंट से शुरू किया था। पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशन लेस फिगर होती है जिसको एक पॉइंट, जिसको एक बिंदु या फिर एक सर्कल, छोटे से सर्कल के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसकी सिर्फ पोजीशन होती है। फिर उसके बाद हम लाइन पर आए थे। लाइन एक ऐसी संरचना है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम आए एंगल पर। कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच जो अवनत होता है उसको हम इंक्लिनेशन होता है, उसको हम कोण कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल पर। तीन रेखाओं के द्वारा जो एक शेप बनती है, तीन रेखाओं के द्वारा जो शेप बनती है उसको कहते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। उसके बाद हम आए थे क्वाड्रिलेटरल पर, चतुष्कोण पर। चार रेखाओं के द्वारा जो शेप बनेगी उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब उसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो बनता है चार भुजाओं से ज्यादा, जो चार भुजाओं से ज्यादा की ज्योमेट्रिकल फिगर होगी उसको हम कहते हैं पॉलीगन यानी बहुभुज। फ्रेंड्स जिन पॉलीगन की साइड सभी साइड बराबर होती है उनको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। हमारे सिलेबस में या रेलवे एलपी का जो एग्ज़ाम है उसमें दो ही पॉलीगन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेक्सागन और पेंटागन से, ठीक है। जितनी साइड होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाता है। अगर सात साइड हैं, सात इक्वल साइड है किसी पॉलीगन में तो उसको हेप्टागन, आठ इक्वल साइड है तो उसको ओक्टागन, इसी प्रकार नोनागन, इसी प्रकार से जो नाम है वो उनके हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो पेंटागन और हेक्सागन ही तक ही पॉलीगन पढ़े जाते हैं। तो पेंटागन और हेक्सागन के बारे में ही हमें डिटेल लेनी है।
पेंटागन क्या होता है? पेंटागन यानी रेगुलर पेंटागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी जो पांच साइड होती हैं और पांचों साइड इक्वल होती है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है पेंटागन का जो एंगल होता है एक एंगल वो कितना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये 108 डिग्री होता है। कभी कभी एक एग्जाम में इस तरह से डायग्राम भी मिल जाता है और हमसे ये वाला एंगल पूछता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसको याद रखने के लिए आप याद रखें जो पेंटागन के पांचों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 540 होता है, ठीक है। तो इसको आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 108 डिग्री एक एंगल का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हेक्सागन की। हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड होती हैं और 6 साइड इक्वल साइड होती हैं, तो उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। इससे भी एंगल से क्वेश्चन आता है, इसका जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है और बाहर का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें ये ध्यान रखें जो हेक्सागन के 6 एंगल हैं उनका जो सम होता है वो 720 डिग्री होता है डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ पेंटागन और हेक्सागन दो पॉलीगन ही एग्जाम में आएंगे और यही सवाल रहेंगे वहाँ पर, इससे अलग कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा पॉलीगन से। सो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का टाइप है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि ऑर्थोग्राफिकल यानी लंबकोणीय प्रक्षेप एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें 2D डायग्राम हम बनाते हैं, सभी व्यू को 2D में बनाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को 2 V में उसकी डायग्राम यानी प्रोजेक्शन बनाते हैं। जबकि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन एक 3D यानी 3-डायमेंशनल प्रोजेक्शन है जिसमें कि एक ही व्यू में किसी ऑब्जेक्ट की तीनों साइड्स यानी तीनों डायमेंशन देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट की एक पिक्टोरियल ड्राइंग है, ठीक है। इस व्यू में एक ही व्यू में तीनों डायमेंशन हमें दिखाई दे रही है, तो इसी का एक टाइप है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है एक्चुअली फ्रेंड्स, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बनाने के यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, ये जो ये सामने वाली फ्रंट व्यू की लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लिया जाए और यहाँ से ये जो लाइन है दूसरी साइड व्यू की लाइन इसको 45 डिग्री अवनत करके बनाया जाए, इसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है हमारे सिलेबस में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसी को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डेटम लाइन हम बना लेते हैं, फिर यहाँ से दो लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब ये जो फ्रंट व्यू और ये जो साइड व्यू है इन्हीं 30 डिग्री की लाइन पर हमें रखना है, तो इसी बॉक्स के ये दो डायग्राम यहां पर दो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमें मिलेंगे। ये होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ये होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से यही क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको डायग्राम गिवन रखेंगे एग्जाम में, आपको बताना है कौन सा ऑब्लिक है या कौन सा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से सिर्फ इतना ही आ सकता है। फ्रेंड्स हमारे जो लगभग सभी टॉपिक हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर आएंगे वो आएंगे टेस्ट सीरीज पर, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जो एक दो सवाल बचा होगा वो भी कवर हो जाए और आप लोगों की एक अच्छे लेवल से तैयारी हो जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।